गाइस मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रेसल। अभी तो बस फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है, जो कि था आज का गो होम एपिसोड मनी इन द बैंक के लिए। एंड कैसा था आज का रॉ का एपिसोड एंड क्या क्या चीजें हुई है आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे लोग जो भी चैनल पर नए हो तो भाई अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो रॉ की स्टार्टिंग होती है वो होती है कुछ डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ली के साथ में। एंड ये लोग आकर के यहाँ पे ट्रैश टॉक करते रहते कोडी रोड्स के, यहाँ पर से कोडी रोड्स भी आते हैं। तो यहाँ पर से जो सेगमेंट होता है, हालांकि भाई काफी अच्छा सेगमेंट था, यहाँ पर से हमको रिया रिप्ली एंड कोडी रोड्स एक तरह से फेस टू फेस भी देखने को मिल रहे थे। एंड भाई मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि डोमिनिक मिस्टीरियो अभी कोडी रोड्स के सामने नहीं आना चाह रहा, तो ये मैच में क्या ही रेसल करेगा बंदा, क्या ही WWE ने मैच बुक किया एंड किस तरह से इसकी स्टोरी लाइन को आगे बढ़ा रहे। हालांकि वो सब चीज छोड़ते हम लोग, यहाँ पर से ट्रैश टॉक होते हैं एंड एक मैच बनाया जाता है जो की होता है हमारा एक मेन इवेंट के लिए, जो की होता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कोडी रोड्स, जो की होने वाला था आज का मेन इवेंट। खैर उस मैच में कौन जीता एंड कैसा था वो मैच, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की। तो जो भाई नेक्स्ट सेगमेंट था वो मुझे बहुत अच्छा सेगमेंट लगा रॉ का, जो कि था सेथ रॉलिंस का। एंड सेथ रॉलिंस आते हैं यहाँ पर से अपने मैच को हाइप करते हैं, वो थोड़ा सा NXT के बारे में भी बात करते हैं, वहाँ पर कार्मेलो हेज भी बैठे हुए रहते हैं। एंड यहाँ पर से तभी वो जैसे ही बोलते रहते हैं तभी यहाँ पर से वो वैसे तो पहले साइड बाय साइड देखते रहते कि कोई आ तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर से फिर भी स्टिल उनके पीछे से आकर के फिन बैलर उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन आज सेथ रॉलिंस पूरी तरीके से रेडी थे एंड यहाँ पर से वो अपर हैंड नहीं देने देते फिन बैलर को। एंड भाई सेथ रॉलिंस भी पूरा अच्छा खासा जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ पर से जब फिन बैलर एक बार उनको चेयर शॉट देने के लिए जा रहे रहते हैं तो यहाँ पर से कार्मेलो हेज उनसे चेयर छीन लेते हैं, इसी बात का फायदा उठाते हैं सेथ रॉलिंस एंड सेथ रॉलिंस उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर से फिन बैलर भाई अपना दुम दबा करके भाग जाते हैं, जो बोलते हैं ना अपना पीछा छुड़ा करके भाग जाते हैं। एंड आज जो अपर हैंड मिलता है वो मिलता है हमारे सेथ रॉलिंस को। एंड भाई गो होम एपिसोड के हिसाब से आज की जो रो में हमको ये सेगमेंट देखने के लिए मिला, ये काफी अच्छा खासा सेगमेंट था। एंड हालांकि पिछले हफ्ते से रो को WWE ने इस बार इम्प्रूव भी किया। बात कर लेते अब हम लोग अपने मेन इवेंट की। तो भाई जो मेन इवेंट था हमारा आज का था डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कोडी रोड। एंड भाई अगर मैं डेमियन प्रीस्ट की बात करूँ ना तो ये बंदा काफी ज्यादा अच्छी चीजें कर रहा है एंड WWE ने भी अब इसको रो को मेन इवेंट करवाना स्टार्ट कर दिया है। बात कर लेते हैं मैच की। तो भाई मैच ओके ओके था, जहाँ पर से डोमिनिक मिस्टीरियो भी काफी ज्यादा इंटरफेरेंस करने की ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विक्ट्री निकलती है वो विक्ट्री जैसे तैसे करके कोडी रोड्स को ही मिल जाते हैं। हालांकि उसके बाद भी वो डोमिनिक मिस्टीरियो अटैक करने की ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर से उनका अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाता एंड यहाँ पर हमारा रॉ का एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये कुछ था आज का रॉ का एपिसोड। आप लोग को कैसा लगा आज का रॉ का एपिसोड आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक ही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।